हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट वन में है मैं अमर शहीदों का चारण, जिसका शीर्षक है और इसके कवि है श्री कृष्ण सरल जी। मैं अमर शहीदों का चारण, इसमें जो शब्दार्थ है वो मैं बता रही हूँ। अमर जो न मरे, शहीद मतलब बलिदानी, यश मतलब बड़ाई, सर्द मतलब ठंडा, गाथा मतलब कथा या कहानी, चारण मतलब कीर्ति या गायक, मर्म मतलब रहस्य, ये इनके शब्दार्थ हैं। इसमें संदर्भ आएगा, मैं कविता पहले पढ़ दे रही हूँ बच्चों, फिर कविता देखना। इसमें पहला कविता है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। बच्चों इसमें संदर्भ आएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मैं अमर शहीदों का चारण से लिया गया है, जिसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। इसमें प्रसंग यह आएगा, श्री कृष्ण सरल जी प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण सरल जी ने हमारे जो महापुरुष है, जो हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनकी गाथाओं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। बच्चों इसका मैं अर्थ बताती हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसमें श्री कृष्ण सरल जी कहते हैं कि जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे देश के लिए बलिदान हो गए हैं, उनके यश को, उनके गान को मैं गाया करता हूँ, जो उसने हमारे राष्ट्र के प्रति अपना कर्ज चुकाया है उसको मैं अपना कर्ज राष्ट्र के प्रति खाया उसको मैं चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आजादी आई है। हमारे देश को आजाद करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष जैसे कि महात्मा गांधी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, रानी दुर्गावती है, रानी लक्ष्मीबाई है और इत्यादि अनेक ऐसे महापुरुष हैं जो देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। उनकी गाथाओं को आज श्री कृष्ण सरल जी ने कविता के माध्यम से बताया है। श्री कृष्ण जी सरल जी कहते हैं कि उनकी उनकी शहीद वो जो महापुरुष जो शहीद हुए हैं उनकी लाशों पे चलकर ही आज हम यहाँ तक हम पहुंचे हैं, आजादी मिली है हमको। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, उनकी गाथाओं को मैं गाकर जो आने वाली पीढ़ी है उनको मैं बताया करता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, उन महापुरुष की गाथाओं को मैं उनकी यशों को मैं उनकी उनकी बलिदानों से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कृष्ण सरल जी उनकी गाथाओं को